हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आज है 16 जून और हमारा है डे 4 गोवा में। मेरे व्लॉग की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होती है क्योंकि सुबह में मुझे पैकिंग करना था। हमने सुबह सुबह 9:30 बजे हमारे रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया है और यहाँ पर स्टोर से कुछ सामान खरीदना था तो मेरे हस्बैंड जाकर खरीद कर लेकर आए। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो कि एक दूसरा रिजॉर्ट है जो कि बगेटर में है। और यहाँ पर आज हमने थार जो है वापस दे देनी है जिनसे रेंट करी थी उनको, क्योंकि हमने 2 दिन के लिए बुक करवाई थी। अब हम दूसरी कार लेंगे या शायद मोपेड बाइक भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूली कंस्ट्रक्टेड रिजॉर्ट है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेटिंग्स है इसके, इसलिए हमने सोचा कि इसको इस बार एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर हमारा सामान वगैरह जो है हमने रख दिया है क्योंकि अभी चेक इन में हमें 1.5 आवर है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो है रिजॉर्ट के बारे में वीडियो दिखा देती हूँ। ये हमारे भैया जो है वो आ गए थे कार को वापस लेने के लिए तो हमने उनको वापस दे दी कार। बहुत ही ज़्यादा यूनिक, एकदम एंशिएंट टाइप का आपको वाइब्स आएगा, फीलिंग्स आएगा यहाँ पर। ये जो है वो ग्राउंड एरिया है और ये जो ट्री है वो हाउसकीपिंग बॉय ने हमें बोला था कि जब ये रिजॉर्ट बना था तब इसका बीज डाला था और ये अभी इतना बड़ा हो चुका था। अब हमारा टाइम फाइनली हो गया इतने वेट के बाद। हमने जूनियर स्वीट रूम जो है वो ओपन किया था हमारे स्टे के लिए और ये आपको मैं थोड़ा सा इंटरनल व्यू दे देती हूँ इसका। यहाँ पर आपको टीवी मिल जाएगा, बहुत बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर एक मिरर मिल जाएगा, वहाँ पर वॉशरूम है, ये बड़ा सा किंग साइज़ का बेड है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सेट किया हुआ है। बहुत क्लेनलीनेस है रूम में, बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है। सेंट्रल एसी है रूम में और यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से हमने लिया था, जकूजी है, बालकनी है, एक लॉन एरिया टाइप है जहाँ पर आप बैठकर चाय वगैरह इंजॉय कर सकते हो, जकूजी में आप चिल कर सकते हो। और यहाँ पर मेरा बेटा वो कर भी रहा है, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा है, गरम गरम पानी में वो अपने आप को रिलैक्स कर रहा है। हम दोनों ने इंजॉय कर लिया था ऑलरेडी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनका रूम्स वगैरह। उसके बाद चेक इन के बाद हम लोग निकले थे बीच देखने के लिए क्योंकि वेगेटर बीच जो है वो 1/2 किलोमीटर अवे था हमारे रिजॉर्ट से। तो अब यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर आपको कुछ स्टॉल्स मिल जाएगी जहाँ पर आप ड्रीम कैशर और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शॉप कर सकते हो। ऑफकोर्स आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि टूरिस्ट को देखकर ये लोग डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा रेट्स बताते हैं, तो आप डेफिनेटली बार्गेन करना मत भूलना। और यहाँ पर हम आ गए थे वेगेटर बीच पे और ये आई थिंक जो बीच है वो ऊपर की साइड है, हम ऊपर की साइड आए थे जैसे कि आप देख सकते हो। और साइक्लोन अलर्ट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी और आपको बीच की वेव्स भी बहुत ज़ोर से मतलब ऊंची ऊंची उठ रही थी। उसके बाद गूगल मैडम की मेहरबानी की वजह से हमने अंजुना बीच का मैप डाला हुआ था और पतली गली से लेकर हमको गूगल मैडम अंजुना बीच पर लेकर आई। और यहाँ पर आप अंजुना बीच भी देख सकते हो कि जो पब्लिक जो है वो दूर दूर से इंजॉय कर रही है बीच की वेव्स को। कोई भी आपको बीच में नहीं दिखेगा क्योंकि जो है रेड फ्लैग्स, रेड अलर्ट और रेड फ्लैग लगा दिया था। तो बस यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे थे। अंजुना बीच पर थोड़ा सा इंजॉय करने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी तो उसके बाद हमने सोचा कि हम जहाँ पहले स्टे किया था सिया सिग्नेचर, वहाँ पर जाकर डिनर किया जाए क्योंकि वहाँ का डिनर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर अच्छे से डिनर किया, मेरा बेटा भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा था। और अब हम वापस आ गए हमारे रिजॉर्ट पर जो कि है 3102 BCE वैदिक रिजॉर्ट। इसका नाम ही वैदिक रिजॉर्ट है और बनावट भी उस टाइप की ही है। यहाँ पर मैनेजर अंकल कुछ रिसेप्शनिस्ट को समझा रहे थे, पता नहीं किया। और ये जो वेल है वो भी कंस्ट्रक्शन के टाइम के पहले का वेल है ऐसा हमें बताया गया था। यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो पूल बनाए हुए हैं जहाँ पर आप बैठकर चिल कर सकते हो। और नाइट व्यू तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इस रिजॉर्ट का, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा टहल रही थी, सारी चीज़ों को देख रही थी। उसके बाद लेट नाइट हमको चाय की क्रेविंग हुई तो हमने चाय ऑर्डर की।
चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा बेटे के साथ मेरे हस्बैंड ने मस्ती किया और ऐसे हमारा डे एंड होता है। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया आज के दिन में भी हमने। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।